कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतिवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म जेआरए कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा। ओम नमः देव्यः, ओम नमः देव्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को रात दिन इसको देखते रहते हैं, जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हमारी आंखों में सामने वाला दृश्य, सामने वाले का दृश्य आ जाता है। अब जब चाहते हैं सामने वाले का हम दृश्य देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय हम अपने आँखों से न देख करके अपने आँखों को बंद कर देते। जब चिंतन की धारा होती है यही होता है। जब हम उस आदर्श का चिंतन करना चाहते हैं तो उस समय हम भले ही चश्मा लगाया गए हो तो भी हम उन चश्मा में न देख करके आँखों को बंद कर देते हैं अथवा नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देते। तत्काल आपको महसूस यह होगा, जिससे हमें हानि होती है और जिससे हमें लाभ होता है। ऊपर देखा तो हानि चालू हो जाती है और नीचे देखा वहीं के वहीं लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ में एक तरफ शुभ लिखा रहता है और एक तरफ क्या अशुभ नहीं लाभ। ये एक प्रतीक है। शुभ का अर्थ क्या होता है और लाभ का अर्थ क्या होता है? संसारी प्राणी होता है शुभ की ओर देखने ही लग जाता है। अब वो क्या शुभ है? अपने लिए जो अनुकूल हो, अपने लिए और कुछ हो। शुभ का अर्थ यह है हानि से बचना, और लाभ का अर्थ वैसे संसार की अपेक्षा से लक्ष्मी होती है।
तो सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों के द्वारा यह युग यह जगत संचालित है, यानी संचालित मैंने स्वयं इन दोनों के कारण अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार की मांग हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारी भगवान आप जैसे कुछ भी नहीं सोचते, ज्ञान तो आपका भी है, आपके पास भी दर्शन है, किंतु उनका इच्छा पूर्वक नहीं होने से यह एक प्रकार से हम लोगों के लिए अभिशाप है। इच्छा होना तो चाहिए, किंतु किस चीज की इच्छा होना चाहिए? अपने अपनी इच्छाएं होती महाराज, आपको मालूम नहीं इसलिए तो हम बताना नहीं चाहते। गृहस्थ हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है इच्छा की क्या करामत है। वहीं पर एक लड़का है घर में और कोई भी सदस्य है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती, यदि रहती भी है वह बहुत जल्दी मिट जाती। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो इरादा है, वह उस आतुरता के कारण या तो लक्ष्मी की ओर चला जाता है, या तो और कोई भी विद्या सीखने में लग जाता है, देखा जाता है। ये इच्छाएं, ये आकुलताएं, ये इरादे हैं, ये सब हमारे दृष्टि के ऊपर आधारित है। दृष्टि वह जिसके साथ इच्छा लगी हुई रहती है। जब आप इच्छा के बिना कुछ सोचना चाहेंगे, उस समय आपको मन नहीं लगता। कई लोगों की यही एकमात्र शिकायत रहते हैं, हम इच्छा पूर्वक व्यापार आदि करते हैं, ये ठीक है, लेकिन हम आधा घंटे का कम से कम उस मन को हम स्थिर उसके ऊपर करना चाहते हैं जिन्होंने मनोविजेता पद को प्राप्त किया। आप लोगों में जो कोई टेंशन बढ़ता है उस मन की करामत है। उस मन को यदि हम शांत कर दे, टेंशन वालों के पास भी बिठा दो, उसको कुछ नहीं होगा। आपको यदि टेंशन हो जाता है तो आपके गोद से लड़का भी खिसक जाता है, अथवा वो दूध पीना बंद करके आपकी आंखों को देखने लग जाता है। आपको उस समय कैसा लगेगा बताओ, सही बता देना है? कैसे लगे? दूध पी ले, दूध पी ले, दूध तो मैं पी रहा था, लेकिन आपको टेंशन मेरे वजह से है या और किसी वजह से, हमें बताओ। वह भी बंद कर लेता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, जिनको टेंशन होता है उनके इंटेंशन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जा सकता। मेडिटेशन और कोई वस्तु नहीं है, केवल इंटेंशन को सही की ओर ले जाना है। आचार्यों ने इसके लिए कहा, मन यदि नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, किंतु मन
किसी भी वस्तु से चिपके नहीं, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। उसके लिए कहा प्रारंभिक दशा में संतों के लिए भी ये बीमारी हो या इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो तो उसके लिए जम किंच भी चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जरा साधु लब्धु नहीं यही अत्तम तदाओ निश्चयम ध्यान। दो पंक्तियां हैं, ये गाथा है। गुरु जी का यही मात्र उद्देश्य है जिस किसी का भी चिंतन करो, अब नहीं भी करो चल जाएगा, आंखें बंद कर लो चला जाएगा, आंखें खोल भी दो चला जाएगा, इधर इधर उधर देख भी लो चल जाएगा। ये बताओ ध्यान होगा क्या नहीं? होगा, इंटेंशन यदि अच्छा है तो। ये द्रव्य संग्रह में लिखा है और आप भी रात दिन द्रव्य संग्रह पढ़ते हो, पढ़ते हो का अर्थ यही है महाराज। जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा, हजारों हजारों मुनि महाराज फिर गए और आपके पास तैरने की कला नहीं होने के कारण जो कोई भी आ जाता वो भी डूब जाता है आनंद में, नहीं आनंद में नहीं किंतु दुख में आकुलता में डूब जाता है। हमें ये बताओ यदि इंटेंशन खराब है टेंशन बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगा तो आप कितने भी ध्यान करना चाहो आपका ध्यान आर ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आर ध्यान रौद्र ध्यानों को और उनके इंटेंशन को बदलना बहुत कठिन है। आप कुछ देना चाहें तो भी वह नहीं मिल सकता। केवल क्या करना, संपर्क सूत्र। आप विदेशों में सुनते हैं कुछ सेंटर खोल रहे हैं, उनको तो अनुभव में आया जनता के सुविधा के लिए जनता की समस्या को दूर करने के लिए कि मोबाइल की जो लत पड़ी है, लत समझते हो, मोबाइल ने एक ऐसा लात दे दिया आपको उसकी चिकित्सा मुश्किल है। हमारे पास आ जाओगे तो उस सेंटर से भी जल्दी जल्दी हम बिना दाम लिए ठीक कर सकते हैं, करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक कर सकते हैं। उनका उद्देश्य यह है बच्चे मोबाइल के आदत से बच जाए। अभिभावक यदि इच्छित हैं उनको तो बहुत अच्छा होगा। पहले अपने हाथ से अग्नि को थोड़ा सा लगा लिया, क्या होता देखेंगे, कितना घाव होता, कब वो है ठीक होता है, क्या क्या करना पड़ता है। वह अपने आप ही नहीं आया, नहीं पनपा, किंतु आपकी गलती है। बच्चों को इस ढंग से दे दिया है
जैसे सौभाग्यवती महिलाएं कंगन पहन लेती है, उन बच्चों के पास वहीं पर एक धागा लगा हुआ रहता है, वह लटकता रहता है। क्या है ये? मोबाइल रख रह नहीं सकता, वह सोता है तो तकिया के बिना या तकिया के नीचे रहता है, वहां से क्या संपर्क होता है क्या पता, संभव है स्वप्न में भी मोबाइल चलाता हो, अथवा स्वप्न में भी ये आदत कब खराब है, ये कब छूट जाए। अब इस प्रकार वहां के लोग घबरा गए हैं, बड़े बड़े जो कंपनी चलाने वाले सेठ साहूकार हैं, उस मोबाइल से आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया, ऐसे सेठ भी हैं। भारत में संभव नहीं है, विदेश में संभव है। उनकी जो कहीं भी कंपनी चलती है, स्व के लिए नहीं चलती, उसमें क्या क्या मिलावट है वो ही जाने, लेकिन वह उसका सेवन नहीं करेंगे। गलती से यदि मान लो कोई चीज हो गई तो उसको वह करार देते हैं कि यह इसमें ऐसा ऐसा बना हुआ है, मिश्रण है, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? जिस देश में वो है। किंतु फिर इसको क्या करना? अरे क्या करना, चिंता क्यों करते हो, भारत की ओर रवाना कर दो, सब बिक जाएगा। ये दशा भारत की है, कोई भी चीज वहां पर खराब है तो यहां पर भेजा जाता है, और पढ़े लिखे हो या सेठ साहूकार हो, कोई भी हो, उसको लेकर के बैठ जाते हैं, रोग हो जाते हैं तो रोते जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। उल्टा इसको बोलते हैं। अब इसको सुलटाएं कैसे? ग्वालियर में भी चले जाओ, आगरा में भी चले जाओ, कोई इलाज भारत में जो इलाज नहीं हो वह जाकर के विदेश में इलाज हो जाता है। एक व्यक्ति दौड़ता आया और कहा, महाराज बहुत बड़ा संकट है। क्या है? हमारी मोबाइल गुम गई। किसी को लत लग गई हो तो उन्हें सोचा मेरा भी मोबाइल गुम गया है, इसी को उठा दे तो ठीक। वो सो रहा है, देखा मोबाइल नहीं, क्या क्या था उसमें बताओ, सब कुछ उसी में था, जिंदगी भी उसी में। हाँ महाराज, अब तो हमारा अंत निश्चित है, भगवान हमारे लिए कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा ऊपर, वहाँ पर मोबाइल ना हो। नहीं तो वहाँ पर यदि भी चले जाए, ध्यान रखो, हरेक देव अवधि ज्ञान का उपयोग हमेशा हमेशा नहीं करता, बहुत आवश्यक होता है उतना ही करता। यदि आपको पाचन शक्ति बढ़ाना है तो पान खाइए, लेकिन होशियार, सुनो क्या खा, हाँ किंतु चूना और कत्था ज़्यादा न खाइए, नहीं है
तो वो पाचक नहीं आपको ही पका देगा। मात्रा तो देखना चाहिए था, क्या आप लोगों को बच्चों के ऊपर दृष्टि है, क्या आप उनके हित चाहते हैं? कतई नहीं चाहते, केवल हमारे बच्चे का विकास हो। कैसे विकास? हाइट बढ़ जाए। विकास का अर्थ क्या होता है? अभी इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि वेट में भार जिसको बोलते हैं उसमें अस्फूर्ति वाला जो शक्ति है, एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अंतर है? मेरा वेट कम हो रहा है, एनर्जी कम नहीं हो रही, ध्यान रखो। आप सबको एक ही की तोल में तोलते चले जा रहे हो, ये गड़बड़। ऐसे कई व्यक्ति आते हैं महाराज, उनका वेट कम होता जा रहा, बढ़ गया होगा, बढ़ जाता है तो नीचे भी आ जाता है। नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ठीक कहेंगे। नहीं, उसकी दवाई नहीं है, घटाने की तो दवाई है, बढ़ाने की नहीं। बढ़ना अलग रूप से होता है और वह हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मोटापा कम कर दो। दो प्रकार के मोटापा है, एक तो इस प्रकार का मोटापा और एक तो पैसे का मोटापा। सुन रहे हो क्या? नहीं हो तो कहो। अब इतने मोटे हो गए आप लोग, देश को चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री को चिंता हो रही है। हम चाहते हैं सेठ साहूकार बन जाए, लेकिन ये ऐसे मोटे हो गए हैं इनको आठ व्यक्ति भी उठा नहीं सकते। क्या करना बताओ? ये ज्ञान रखना आवश्यक था। तो मैं ये कह रहा था कि इसी प्रकार जो बच्चों को पैसा अनाप शनाप दिया जाता है और वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के उपरांत ऐसे ऐसे वे ड्रग्स जिसको नशीले पदार्थ बोलते हैं, जिसकी कीमत हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में जाता है। रईस जो होगा वही खाएगा, और कोई की बात ही नहीं है वहां पर। अब वहां भी यदि लत लग गई तो उसके लिए भी सेंटर खोल रहे हैं। सुनते हैं, इसलिए कह देता हूं कि पंजाब एक प्रकार से स्वतंत्रता के बाद विकास की ओर था और विकसित होकर के धान की अपेक्षा से, गेहूं की अपेक्षा से उसकी उन्नति भारतवर्ष में एक नंबर की थी। समृद्ध प्रदेश बन गया था और उनकी जो आबादी है उस आबादी के बहुत कुछ अंश जो है देश की रक्षा हेतु सेना में उनको भर्ती कराया जाता था। आज पंजाब से जोधपुर या अन्य और कोई भी स्थान है, वहाँ पर एक दो तीन चार रेल चलते हैं केवल भयानक रोगों से जो ग्रसित हैं, उसमें भी कैंसर की बीमारी सबसे मुख्य है। कारण यही है, विदेशी सारी चीज़ें सेवन करने से ऐसा हो रहा है और बच्चों को विशेष रूप से लत लग चुकी है, वे उस नशीले पदार्थ के बिना रह नहीं सकते,
आप कितने भी पैसा खर्च कर लो। अब पैसा भी खर्च नहीं कर सकते कि क्या करेंगे पैसा खर्च करके, बताओ। दवाई नहीं है उसके लिए, उसके लिए कोई औषध ही नहीं, वो पागल जैसा हो जाता है। सुनते हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, उस प्रकार उसके तड़पना होता है। इसमें कारण माता पिता अवश्य है, वो लड़का नहीं है। पढ़ने के नाम से कुछ नहीं होता। अब प्रांत से प्रांतांतर भी नहीं, आज तो देश से देशांतर हो रहा है। और अच्छे पढ़े लिखे ही नहीं, पैसे वाले भी, अच्छे पैसा हो जाता है तो आप चलो दुबई चलो, फिर क्या करोगे वहां पर? दुबई का ऐसा अर्थ में समझता था डूबना, काहे में डूबोगे? भारत अच्छा नहीं लग रहा उनको, खूब घूम आए जाओ। क्या घूम आए है? मन को घुमाओ, यही ध्यान है। सिंगापुर, दुबई, अनेक और राष्ट्र है, हांगकांग, कुछ नहीं। ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? देश के प्रति निष्ठा, समर्पण भाव, और यहां पर अनमोल जो वस्तु है कहीं किसी देश में नहीं है, यहां पर धर्म है, धर्मात्मा है। तीर्थंकर जहां पर अन्यत्र कहीं किसी देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं, हमारे तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न होते। आज भी इतिहास, देव जिनके लिए सेवा करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, ऐसा इतिहास, ऐसा यह पवित्र भूमि, ऐसे में आप जन्म लिए हो, क्या विशेष विशेष विदेश होते हैं मैं मानता हूँ। काय में होते हैं तो उसी में होते हैं, यदि वो चाहते हैं तो जाओ ठीक, लेकिन वहाँ के लोग भी गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। कौन थे, कहाँ से आए, ये उसी से मालूम है। कितने भी किलोमीटर दूर से आ जाते हैं और झाड़ू लगा करके, पुनः झाड़ू उसी में रख करके चले जाते हैं। यदि गाड़ी चाहते हैं तो वहाँ पर जाओ, आपको मिल जाएगा मुफ्त। क्या कर रहे हैं? पहले घूमने के लिए जाते थे कि शुद्ध प्राण वायु मिल जाए, शुद्ध विचार हो जाए, शुद्ध सब कुछ, शौचादिक क्रियाएं हो जाए, स्नान करके आ जाते थे। प्रतिदिन का ये कार्य गांधी जी करते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? वह ड्रग को लेकर के माथा ठोक रहे हैं हमारे लिए, बताते हैं महाराज आपका आशीर्वाद भर मिल जाए, हमें विश्वास है हमारा लड़का सुधर जाए। तो क्या हो गया? और कुछ नहीं है, उन्होंने ड्रग की बात कही। आंखों में पानी है, और वह लड़का भी कहता है महाराज मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं, ये छूट जाए, लेकिन कुछ लगता है ऐसा है प्राण छूटने तक ये मुझसे नहीं छूट पाएगा। अब क्या करें बताओ? दुनिया के औषध और दवाइयां और जो कोई भी उपचार किस काम के हैं, ऐसे रोग पैदा कर रहे हैं।
पंजाब में ऐसा हो गया, बताएं धरती तक जल गई है, जिसमें हाई पावर के बहुत शक्तिदार विदेशी खादों के उपयोग से वह ऐसा हुआ है। तो विदेशी खाद, विदेशी बीज, विदेशी दवाएं, वो जो कीटनाशक दवाइयाँ आदि आदि सारी दवाएं अब विदेश की हैं, इसके कारण आज वहाँ की मिट्टी में भी उर्वरता समाप्त होकर के वह बंजर होती चले आ जाए। बंजर किसको बोलते हैं? बोलते हैं अरे जिनको संतान ना हो उनको बांज बोलते हैं, और उस धरती को बांज धरती बंजर जाती बोलते हैं। और कौन सा है इसमें, नाम में अंतर आ रहा है क्या? ये अपने सामने सामने ऐसा हो गया, किंतु सरकार इसको क्यों नहीं देखती, क्या पता। अभी तो क्या देख रहे हैं, चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव आवश्यक है, लेकिन 5 साल में हम इन कुरीतियों को समाप्त करें, ऐसा संकल्प के धनी भी आज आवश्यक है, तब तो भारत का उद्धार संभव है। केवल स्वतंत्रता से गांधी जी मानते नहीं थे कि भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु स्वतंत्रता तो वह है स्वच्छंदताओं को समाप्त करके, अपनी नीति नहीं किंतु नीति हमेशा हमेशा तारने वाली होती है। ऐसा यह भारत है। आप लोगों ने बहुत सारे कड़वे शब्द सुने हैं, अब क्या करें, डायबिटीज यदि है तो करेला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छी है ऐसी कड़वी कड़वी घूंट मिलती चली जाए, तो हमने कहा ट्रीटमेंट कर दो इनकी। आपके हंसने से तालियां बजने से लगता है ये दवाई काम करेगी। ऐसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप सुबह उठते हैं तो आमोद प्रमाद प्रमोद के साथ उठते हैं, आपका आलस दूर हो जाता है, शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं उसको भी आराम सा लगता है, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं। पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है, सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियां ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह
गुलाबी आभा पूर्व की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट के प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है। एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है कि निश्चित है, किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा अशुभ का बंद होता है तो शुभ के द्वारा अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंद होता है। बंद हमेशा हमेशा बंद ही नहीं रहता किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है क्योंकि एक ही सूर्य के दोनों लालिमा हैं और लालिमा तो लालिमा ही है, बंद का कारण है। ऐसा नहीं, ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुदाती है। इसलिए सुदाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं किंतु सुना देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, CA राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, CA वासु जैन, CA समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन कनाडा।